नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो के रिजल्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हम सभी को पता होना भी जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो के रिजल्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो के रिजल्ट को लेकर काफी न्यूज वायरल होती रहती है आजकल कि रिजल्ट की डेट ए आ चुकी है, वो आ चुकी है, कुछ भी आ चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिजल्ट जिस दिन गवर्नमेंट को देना है रिजल्ट उस दिन ही आएगा। आपकी चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि कोई चीज का दावा करता है कि हम ऐसा करके रिजल्ट दिला देंगे, हम वैसा करके रिजल्ट दिला देंगे, तो कुछ नहीं है दोस्तों। आखिर आप अपना नुकसान ना करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर आदमी अपनी रोटियां सेक रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। देखिएगा, अभी सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो की जो एग्जाम है बिल्कुल गर्म तवे की तरह है, गर्म तवे की तरह। हर आदमी अब गर्म तवे पे दूसरे के तवे पे रोटी सेकना चाहता है। ये बात तो आपको सभी जानते हैं कि जिसका किसी का तवा रोटी सेक ले कोई, है ना, मतलब मजे ले रहे कोई, तो मैं बोलो फायदा ले रहे कोई दूसरे और परेशान हो रहे हैं आप। तो मैं बता दूं कि आप लोग परेशान ना हो, आप अपना नुकसान ना करें। दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो के एग्जाम को लेकर परेशान है, रिजल्ट को लेकर परेशान है, तो आपके तीन बड़े नुकसान हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो दोस्तों यदि आपने सीटेट का एग्जाम के लिए अभी अप्लाई कर दिया है जो दिसंबर में एग्जाम है, तो दोस्तों आपका सीटेट में सिलेक्शन होने से रुक सकता है, क्योंकि आप तैयारी नहीं करेंगे, आपका मन भ्रमित रहेगा, मन इधर उधर लगा रहेगा, टेंशन रहेगा, तो आपका सीटेट में सिलेक्शन नहीं होगा, वहां नुकसान हो सकता है। दूसरा दोस्तों आपको पता है कि जिन भाई बहनों ने एनबीएस का एग्जाम दिया है, एनबीएस के एग्जाम होने वाला है, उसके लिए फॉर्म फिल किया है, वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि एनबीएस और सीटेट दोनों सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, तो इसमें आपका भारी नुकसान हो सकता है। तीसरा दोस्तों आपको पता है कि एचपीपी का जो है, एचपीजीटी का जो हरियाणा पीजीटी की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसके में भी यदि किसी भाई बहन ने एग्जाम में फॉर्म भरा होगा तो दोस्तों उनका भी काफी नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप एक चीज में टेंशन में रहते हैं तो आप दूसरी चीजों को नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और ना अपना टाइम दे पाते हैं, ना अपना मन लगा पाते हैं। इसलिए यदि आप इस रिजल्ट को लेकर परेशान हैं तो अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, रिजल्ट जिस दिन आएगा आना होगा और आपके नसीब में होगी तो आपका 110% सिलेक्शन होगा, चाहे रिजल्ट आज आए चाहे कल आए। दूसरे लोग देखिएगा क्या करते हैं, मैं बता दूं आपको, सच बात बता दूं, ना तो उनको टीचर, ना वो टीचर है, पहली बात ना तो वो टीचर हैं, दूसरी बात ना उनको टीचर बनना है, समझना, तीसरी बात उनका काम है पैसा कमाना। तो मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने क्या काम कर रखा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो के छात्रों को मुद्दा बना लिया है और बेहतरीन तरीके से अच्छे, मतलब ऊंची ऊंची आवाजों में, बड़े बड़े वादों में, मतलब देखिएगा इस तरीके से बातें वो करते हैं कि जो कुछ वो बोल रहे हैं मैया, मतलब सीधी गीता से बोल रहे हैं। गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जो लिखा वो सत्य प्रतिशत सत्य है, उसी प्रकार से वो बातें करते हैं, उसी प्रकार से उनके आर्गुमेंट होते हैं। छात्रों के लिए भी वो आजकल कई लोग आर्गुमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता यार कि छात्रों के लिए आर्गुमेंट करना चाहिए। एक आप अच्छे शिक्षक की जो नीति है वो ऐसी नहीं होती हूँ, यदि आप शिक्षक का रोल निभा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए किसी भी छात्र के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी यदि गलत न्यूज आपको दे रहे हैं उन चीजों से दूर रहें। आप अपने एनबीएस सीटेट और हरियाणा पीजीटी के एग्जाम की तैयारी करते रहें, और यदि आपने किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए अच्छा चांस है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अपनी तैयारी कीजिएगा और एग्जाम जरूर देना। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षकों की और स्कूल में बच्चों की और स्कूलों की स्थिति क्या है, ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या मध्य प्रदेश में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि लोग क्या, जब वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी आने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन होते हैं, विरोध प्रदर्शन हमारे यहाँ होने लगते हैं। ये बात सभी को पता है, मैं भी मध्य प्रदेश का निवासी हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये होता है। लेकिन हम लोगों की कमी क्या है, हम लोगों की कमी ये है कि हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग रिजल्ट को प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरे स्टेटों की क्वालिटी है वो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑब्जर्व की, उन लोगों को देखा है, जब वैकेंसी आती है और वैकेंसी यदि उनको लग रही कि वैकेंसी दोस्तों 5,000 है या 10,000 है, यदि होना चाहिए 20,000, तो वो लोग उस 20,000 के लिए वैकेंसी के लिए धरना करते हैं कि भैया ये जो वैकेंसी है ये 10,000 होना नहीं थी, ये 20,000 होना चाहिए, सरकार के सामने इस चीज के लिए अडेक करते हैं, वो रिजल्ट के लिए चिंता नहीं करते,
लोग वैकेंसी बढ़वाने के लिए चिंता करते हैं कि वैकेंसी में जितने पद बढ़ेंगे उनमें उतना बेनिफिट उनका होगा। तो दोस्तों ये हमारे लोगों में बिल्कुल अपोजिट बात है। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के लिए धरना करते हैं, उधर के लोग क्या करते हैं, वैकेंसी यानी जो पद के लिए उनको बढ़ाने के लिए धरना करते हैं। ये बात बिल्कुल मेन बात है, पॉइंट की बात बता रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझना। और यदि आपको ये बात समझ में आ जाए मैंने आपके लिए क्या कही, क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश के बहुत सारे भाई बहन है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना बात को। मैंने क्या कहा, मध्य प्रदेश के लोग क्या काम करते हैं, रिजल्ट को धरना देते हैं, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा तो धरना देते हैं, और अदर स्टेट के लोग क्या काम करते हैं, पद बढ़ाने के लिए धरना देते हैं। यदि ये बात आपको मेरी समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, सारी बात मुझे समझ में आ गई कितने प्रतिशत सत्य है कितने प्रतिशत गलत है। ठीक है, अब बात करेंगे मैं मध्य प्रदेश के स्कूलों की बात। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो बात बता दूं, मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों की बात करूंगा या स्कूलों की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल है दोस्तों, प्राइमरी और माध्यमिक जो स्कूल हैं वो है 142,512 स्कूल है। ठीक है, हाई स्कूल के जो स्कूल हैं, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के लिए जो हम स्कूलों की बात करेंगे वो दोस्तों हमारे कितने हैं, 58,000 कुछ समथिंग हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में, यानी कि ये जो हमारे हैं हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में है ये 58 कुछ समथिंग है। ये थोड़ी सी मेरे को क्लियर नहीं है इसका थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें शिक्षकों की जो बात करेंगे, प्राइमरी शिक्षकों की जो संख्या है दोस्तों 2,46,000, ये प्राइमरी और माध्यमिक दोनों है। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में 58,572 है। छात्रों की संख्या प्राइमरी स्कूल में दोस्तों 71,86,000 है। रिजल्ट जो हमारे हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में है वो 38,99,000 है ना, और दोस्तों हमें शिक्षकों की जो जरूरत है वो 71,000 है, यानी 71,000 हमारे लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। लेकिन हम इस चीज पे बात नहीं करते कि हमारे लिए 71,000 शिक्षकों की आवश्यकता, भैया ये 71,000 सीट कब भरी जाएगी। हम इस चीज पर बात करते हैं कि जैसे तैसे 5,000 वैकेंसी आ गई, अब भैया ये बता दो इसका रिजल्ट कब आएगा, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं यदि आप लोग जितना रिजल्ट को लेकर परेशान है उतना इस वैकेंसी निकलवाने के लिए परेशान हो जाएंगे तो आपका और सबका और हमारे आप सब भाई बहनों का भला हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात दिमाग में रख लो, आप सभी को अवेयरनेस होने की जरूरत है, आप सभी समझदार हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, और मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं आपने देखा नहीं, हर जगह स्थिति बेकार है, इंडस्ट्रियल एरिया बेकार है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बेकार है, हर जगह मतलब मार्केट डाउन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर क्यों हो रहा है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों डाउन हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल एरिया क्यों डाउन हो रहे हैं। दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों के पास अब पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो चुका है। यदि पैसा है तो वो जमा करके रखें, बड़े बड़े शेठ लोग हैं उन्होंने पैसा जमा कर लिया है, इंडस्ट्री दो थी उन्होंने एक बना दी, एक के आदमी एक बार बेरोजगार कर दिए हैं, हर जगह से आदमियों को निकाला जा रहा है, हर जगह से सब कुछ किया जा रहा है। तो यार मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि कोशिश ये करें कि अपनी आगे की तैयारी में लगे रहें, किसी एक चीज को लेकर परेशान ना रहें। यदि कोई आदमी आपके लिए गलत न्यूज देता है, कोई भ्रामक न्यूज देता है, तो उनसे थोड़ा सा बचें और दूर रहें, अपने आप को अवेयर करें, थोड़ी सी जानकारियां इकट्ठी करें, देश दुनिया के बारे में पता करें। और दोस्तों खासकर ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको एक पहले एक पॉइंट बताया है कि हमारे में और अदर स्टेट में फर्क सिर्फ इतना है कि हम रिजल्ट को लेकर लड़ते हैं और वो लोग पदों को लेकर लड़ते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको ये बात मेरे पॉइंट समझ में आ जाए तो दोस्तों मुझे कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।